यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादा नगतिः कुतोऽपि न्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिय। जय रूप सनातन भट्ट रघुना जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छे गोसाईर कोरी चरण वंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम सब एक बार फिर से एकत्र हुए हैं आज श्री माधुर्य कादंबरी पर चर्चा रहेगी। श्रील विश्वनाथ चक्रतिपाद जी द्वारा रचित ये ग्रंथ बहुत ही सुंदर है। आप सुनते ही चले आ रहे हैं कितना आस्वाद्य है, कितने ही मेहनत से कितने ही प्यार से उन्होंने हमें समझाया है, श्रद्धा से प्रेम तक के समस्त स्तरों को। और जब हम इन्हें सुन रहे हैं तो लगता है कि अरे हम तो कहीं भी नहीं है लगता है कि हम शायद यहाँ हैं, शायद यहाँ हैं। सब कोई अपने को पहचान पा रहा है भजन में, जैसे प्रगाढ़ता होनी चाहिए। वास्तव में ऐसी है नहीं, कभी घन है तो कभी तरला है, सब कुछ बताया हुआ है अच्छे से। बहरहाल हम पिछली दफा चर्चा कर रहे थे कि जो अनर्थ हैं, है ना, अनर्थ, उनकी निवृत्ति के ऊपर। अनर्थ निवृत्ति ये एक और दशा है। भजन क्रिया के बाद जब भजन शुरू हो जाता है, आपने सुना अनिष्टता पूर्वक जब भजन होता है तो उसकी दशाएं आपने, और फिर अनर्थ निवृत्ति होने लगती है भजन से। तो अनर्थ क्या है, क्यों होते हैं अनर्थ, जबकि हमने सुना है कि ये जो मनुष्य शरीर है वो बहुत ही अर्थप्रद है, परमार्थ प्रदायक है ये मनुष्य शरीर। तो अनर्थ क्यों उत्पन्न होते हैं, तो इसका बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया हमारे प्यारे गुरुदेव ने कि हमारे हृदय में जो भोग वासनाओं का बीज रहता है, उसका जो मूल होता है कि हम भोग करें, ये जो वासनाएं उठती रहती, यही है अनर्थ का मूल, अनर्थों की जड़। अभी तक हमने सुकृति से उत्पन्न अनर्थ की चर्चा की कि जहां पर किसी सुकृति की वजह से कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पर वो इतना पुण्यवान होता है कि उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है, और वो जानता ही नहीं है कि अभाव क्या है, आरती उत्कंठा किस बात की, है ना। सदा सर्वदा बस वो पैसे का इस्तेमाल करता है अपना इधर उधर जाने में, या स्वर्ग आदि के सुख के बारे में सोचता रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कभी भजन नहीं कर पाते ठीक से, बहुत मुश्किल से आता है भजन के पास, अनर्थों में फंसते रहते हैं बारंबार। भजन करते हुए भी ये सुकृति से उत्पन्न अनर्थ उनको कई बार जो है खींचने लगता है। दूसरा हमने सुना दुष्कृतियों से जात अनर्थ, गलत काम किए, पाप किए, उससे अनर्थ उत्पन्न हो, तो वो अनर्थ जो है वो भी बड़े भयंकर होते हैं, अंतराय पैदा कर देते हैं भजन। फिर अब हम सुन रहे हैं
अपराध से उत्थित अनर्थ। हमने सुना श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जो हरि नाम है, एक कृष्ण नाम, सारे पाप समाप्त हो, और दूसरे कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की जो इतनी बड़ी साधनाएं बताई हैं, इतनी सारी भजन क्रियाएं हैं, हालांकि समस्त आस्वाद्य हैं, अगर भजन में रति उत्पन्न हो जाए, किसी के अंदर रति उत्पन्न हो जाए तो सब आस्वाद्य हैं भरपूर, किंतु तो भी ये जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं, उनको करने के बाद क्या चाहिए? प्रेम, कृष्ण प्रेम। परंतु वो तो एक कृष्ण नाम लेने से ही हो जाता है, और अगर कोई खूब कृष्ण नाम लेता है, लाखों माला जप करता है, लेकिन तो भी भगवान के नाम पर या भगवान की लीला श्रवण करके या भगवान का रूप दर्शन करके या भगवान के भक्तों का दर्शन, उसका हृदय द्रवित नहीं होता, या भगवान के बारे में पढ़कर हृदय द्रवित नहीं होता, तो फिर हमें पता चला कि इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा अपराध है। यही समझिएगा कि अपराध बहुत ज्यादा है, इसलिए जो नाम है अपना मुख्य फल नहीं दे पा रहे हैं। और मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है कृष्ण प्रेम। आनुषंगिक फल हम नहीं देखते हैं, मुख्य फल की ही बात करते हैं, क्योंकि वही श्रीमन महाप्रभु के अनुसार जीवन का प्रयोजन है, वही एकमात्र साध्य तत्व है ना। तो हमारी चर्चा हो रही थी कि ये जो पाप और अपराध, इसमें क्या गुरुतर है, पाप किसे कहते हैं। अनात्म वस्तु से, अनात्म वस्तु के प्रति जो कुछ गुरुतर कार्य हो जाते हैं, भयंकर कार्य हो जाते हैं, वो पाप है। अनात्म वस्तु यानी जड़ देह, इस देह और इंद्रियों के द्वारा दूसरी देह और इंद्रियों के लिए कुछ गलत काम हो गए हमसे, शास्त्र विरुद्ध कार्य हो गए, तो वो पाप है। और इसका प्रभाव भी अनात्म वस्तु पर पड़ता है, यानी जड़ देह पर पड़ता है, यानी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना, उसके विषय में गलत सोचना, उससे गलत संबंध बनाना, पराई चीजों की चोरी करना, हिंसा करना, मारपीट, ये सारी चीजें जो भी है पाप है ना। तो जब कोई पाप करता है तो वो शरीर के द्वारा करता है और शरीर के प्रति करता है, आत्मा के प्रति तो कोई पाप हो नहीं सकता, आत्मा को कौन जानता है। तो शरीर के प्रति पाप होता है, शारीरिक के प्रति पाप होता है, शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति पाप होता है, जहां हमें लगता है कि इन चीजों को करके शरीर का सुख मिलेगा, चोरी करना, ये सारी चीजें पाप है। तो परधन, परदारा, परदार हरण, हिंसा, मिथ्या भाषण, अभक्ष का भक्षण करना, खाना जो चीज नहीं खानी चाहिए वो भी खाते रहना, ये सब पाप है। तो हमने ये सुना कि अनात्म अभिमान जो है देह में, उसके कारण अनात्म वस्तु के भोग के लिए जो वासना होती है, उससे अनात्म वस्तु के संबंध में देह, वाक्य और मन के द्वारा जो असत कार्य करते हैं उसे ही पाप कहते हैं। यह भी हमें समझ आई है ना। अनात्म वस्तु संबंध में देह के द्वारा या वाणी के द्वारा या मन के द्वारा जो असत कार्य हो गया, अनात्म वस्तु के संबंध, ना भगवान के संबंध में, ना भक्त के संबंध में, अनात्म वस्तु के संबंध में, देह, दूसरे लोग, तो वो पाप हो गया। तो इसीलिए अनात्म वस्तु के साथ ही इस पाप का संबंध है, ऐसा कहा गया, जो अनात्म वस्तु है उसी के साथ पाप का संबंध है। ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, इसकी क्रिया अनात्म देह मन पर ही आरोपित होती है। तो अपराध के बारे में अब जब बात की जाए, तो अपराध के लिए बताया गया कि ये तो बहुत भयंकर है, गुरुतर अपराध है, अपराध बहुत गुरुतर है ना।
यानी बहुत ही भयंकर है पाप की अपेक्षा। इसकी जो क्रिया है वो साक्षात भाव से आत्मा को आवृत कर देती है। आत्मा का स्वरूप है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मुझे भजन करना चाहिए, परंतु अपराध जो है वो आत्मा के इस स्वरूप को एकदम ढक देता है। भजन की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। भजन क्यों करना चाहिए, भजन का मतलब ही नहीं बनता, भजन में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, भजनीय वस्तु में कोई इंटरेस्ट। ये अपराध से उत्पन्न होता है, ये आपका भजन शिथिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि भक्ति पथ आश्रय पूर्वक कोई व्यक्ति जब श्रवण कीर्तन आदि भजन करता है, तब ये श्रवण कीर्तन आदि जिस प्रकार आत्मवस्तु या चित्त वस्तु, उस प्रकार उनके चित्त स्वरूप आत्मा के उद्देश्य से ही उसका अनुष्ठान किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो दैहिक सुख के लिए नहीं करते हैं, वो आत्मिक सुख के लिए करते हैं कि हमारे हमें हमारी आत्मा को शांति मिले, हमारी आत्मा को आनंद मिले, आत्मानंद के लिए करते हैं। आत्मा को आनंद देना ही वस्तुतः सही आनंद देना है। शरीर को आनंद देंगे तो वो कितने क्षण रहेगा, शरीर के आनंद से कुछ फायदा नहीं है। जड़ वस्तु को क्या आनंद देंगे, और जड़ से जड़ आनंद ले ही क्या रहा है, अपने आप को अविद्या के गाल में फेंक रहा है, अविद्या का जाल उसको जकड़ रहा है। जड़ वस्तु से कोई आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता। ये इंद्रिय बोध के कारण सारा आनंद उत्पन्न होता है, इंद्रिय बोध के। एक इंद्रिय ने सोच लिया कि वो व्यक्ति सुंदर है और उससे संग करके मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे आनंद तो मिला ही नहीं, तो मैं ढूंढ क्या रहा हूं, तो पता चलता है अरे अगर भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, वैष्णव की कृपा हुई, तो पता चलता है आनंद तो सिर्फ हरि नाम में है, आनंद तो हरि कीर्तन में है, आनंद तो हरि के अर्चन में है और उनके स्मरण में, भगवत धाम में है, भक्तों के दर्शन में है, भक्तों की सेवा में है, आनंद तो वहां बरस रहा है। तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इन जड़ वस्तुओं में निरानंद को पा सकते हैं, जो इन जड़ वस्तुओं में दुखों की उपलब्धि करते हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि तब वो सुख का और आनंद का अनुसंधान करते हैं, और जब वो आनंद का अनुसंधान करते करते आनंद तक तो वो धन्याति धन्य होते हैं। किंतु अगर वो निष्कपट हो तो उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, निरअपराध व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है। इसीलिए कहा गया कि कीर्तन श्रवण ये सब क्या है, आत्म वस्तु या चिद वस्तु है, इनमें से तो कुछ भी जड़ नहीं है। कृष्ण नाम जड़ नहीं है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय, परम चिन्मय, और भगवान का, भगवान की कथाएं, उनका श्रवण, हम जो कुछ भी भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, समस्त क्रियाएं चिद वस्तु है, जड़ नहीं है, चिन्मय है। इसलिए वो सब चित्रूप आत्मा के लिए ही हम करते हैं, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर एक ही चीज है जो चिन्मय है, वो है आत्मा, यानी मैं। हम आत्मा के तौर पर चिन्मय हैं, हम चिद वस्तु हैं, हम जड़ नहीं है। तो ये सारा जो चिन्मय भजन क्रिया है वो चिन्मय चीज के लिए होती है, वो शरीर के लिए नहीं होती है। पहले तो ये समझना होगा, है ना। और इसका जो विषय है, यानी भजन के जो विषय हैं, वो क्या है, भगवान है, भक्त हैं, श्री नाम है, श्री धाम है, सब चिन्मय वस्तु, कुछ भी जड़ नहीं है, ठीक। उसके बाद इनके प्रति प्राकृत बुद्धि से जो हम अवज्ञा करते हैं या अनादर करते हैं या भयंकर कर्म करते हैं, उसे ही हम अपराध कहते हैं। यानी कि श्री भगवान के प्रति अगर हम अनादर करते हैं, अपराध करते हैं, अवज्ञा करते हैं, उनके अंदर, उनके लिए हमारे अंदर प्राकृत बुद्धि आ जाती है, अरे ये क्या है, ओहो ये तो पत्थर है, या ये तो लकड़ी है, या ये तो मेटल है, धातु है, तो क्या है फिर, ये प्राकृत बुद्धि अपराध को जन्म देती है, ठीक है। तो इनके प्रति, यानी श्री भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति,
अगर भक्तों के प्रति भी यही सारी चीजें बुद्धि आ जाए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो उस कुल का है, अरे ये तो जो है फला फला खानदान में पैदा हुआ, अरे इसकी माता जी ऐसी थी, इसके पिताजी ऐसे थे, जो भी या कोई और कोट देख लो, अरे ये भक्त ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अरे वो भक्त हाँ वो बहुत पढ़ा लिखा है। मतलब इस तरीके से अगर हमारे अंदर प्राकृत बुद्धि आ जाए भक्तों के प्रति, देखिए एक बात याद रखिए, हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी को क्या कहा था, सोचिए श्री चैतन्य चरितामृत में जब श्री सनातन गोस्वामी जी को खुजली का रोग हो गया था, मवाद वगैरह बह रहा था, और श्रीमन महाप्रभु जाकर के उनको जबरदस्ती आलिंगन करते थे, और सनातन गोस्वामी जी पीछे हटते जाते थे कि नहीं नहीं प्रभु, ये जो पतित देह है आपके स्पर्श के काबिल नहीं है, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं बहुत अपवित्र हूं। लेकिन भगवान किसी ना किसी छल से उनका फिर से उन्हें पकड़ लेते थे, आलिंगन कर लेते, इस हद तक कि सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि भगवान महाप्रभु तो मानते नहीं है, इस अपवित्र देह को अब रखना बेकार है, रथ के आगे फेंक दूंगा और इसे हटा दूंगा। श्रीमन महाप्रभु तो अंतर्यामी, उन्होंने सीधा बोला, सनातन ये तुम्हारी देह चिन्मय, ये तुम्हारी देह चिन्मय है, इस देह से मुझे बहुत कार्य करवाने हैं। दीक्षा के समय भक्त जो है आत्मसमर्पण कर देता है और श्री कृष्ण उसे अपने जैसा बना देते हैं, तो उसका अब कुछ प्राकृत रह नहीं जाता है, आप जैसा प्रेमी भक्त सुरसिक भक्त उसका कुछ प्राकृत रह ही नहीं सकता है। तो जैसे माता होती है ना, माता अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है, चाहे वो कितना ही गंदा हो, चाहे उसको कितने ही जख्म हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो माता फिर भी अपने बच्चे को साफ करती है। जैसे कि एक गैया उसका बच्चा पैदा होता है तो चाट चाट के ही साफ कर देती है, उसे दूध की तरह उजला कर देती है एकदम, माता उस सारी गंदगी को साफ करती है। इसीलिए भगवान को वत्सल कहा जाता है, भक्त वत्सल, कि भक्तों के समस्त कलमश को, समस्त दोषों को वो देखते नहीं है, वो उसे साफ कर देते हैं। तो इसलिए जो भगवान है उनके जो भक्त हैं, श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि उसे कभी भी प्राकृत बुद्धि मत समझ, उनमें प्राकृत बुद्धि मत लाना। जैसे कि एक बहुत सुंदर श्लोक भी आया, कहीं पढ़ा था, जैसे जैसे कि अगर गंगा जल में कहीं कोई नाले का पानी भी गिर जाए, गंगा जल है ना, गंगा जल कहीं गड्ढा है उसमें गंगा जल है, और अगर उसके अंदर नाले का पानी आके भी मिल जाए, तो भी उसके उसमें आप नाले का अगर ये सोचेंगे तो गंदा हो गया और अब ये सेवा के योग्य नहीं है, ये बेकार हो गया, नाला नाले का पानी बन गया है, तो ये भी प्राकृत बुद्धि कर दी तो अपराध है, वो चिन्मय ही रह गया, वो चिन्मय ही है क्योंकि वो गंगा जी। वैष्णव में प्राकृत बुद्धि कर दी तो वो अपराध है ना, तो इन सबको अपराध कहा जाता है। या इनके इनके प्रति अवज्ञा कर दी, भक्तों के प्रति अवज्ञा कर दी है ना, अनादर कर दिया, देखा और देख के भी अनदेखा कर दिया, या प्रणाम नहीं किया, या जो है हिंसा कर दी, गलत बात बोल, ये सारी चीजें भयंकर अपराध है। तो इसलिए कहा कि अनात्म वस्तु के संबंध में जो गर्हित कर्म होते हैं, जो असत कर्म होते हैं, उसे कहते हैं पाप। अनात्म वस्तु माने वो जो आत्मा नहीं है, हमारे शरीर में आत्मा बस मैं ही हूं और बाकी सब कुछ अनात्म है, मेरा मन भी, बुद्धि भी, इंद्रिय भी, सब कुछ अनात्म है, ये शरीर भी अनात्म है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इसमें हूं पर ये मेरा नहीं ये मेरा नहीं है, वो बड़े अजीब बात है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम का आशय जब हम लेते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आया जहां पर कहा गया, ये जो तुम्हारा शरीर है ये किसका है, तुम किसके हो, माता पिता के हो क्योंकि उन्होंने ये शरीर जन्मा, या तुम पति के हो क्योंकि वो उस शरीर की रक्षा कर रहा है, खिला पिला रहा है, या पत्नी के हो, या अपने मालिक के हो, किसके हो, या काल के हो, किसके हो, ये शरीर पता चला भाई, शरीर तो भगवान ने दिया है ना, शरीर ठाकुर जी ने दिया है, शरीर तो हमारा अपना है नहीं, तो शरीर भी हमारा नहीं है,
कभी भी छूट सकता है, कभी भी कोई रोग शोक कुछ भी हो सकता है, आधी व्याधि, और हम झेल रहे होते हैं शरीर से बंद करके, उसके दुख सुख से बंद करके। तो अनाथ वस्तु के संबंध में जो गर्हित कर्म होता है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसे कहते हैं पाप। और आत्म वस्तु के संबंध में जो गर्हित कर्म है उसे कहते हैं अपराध। आत्म वस्तु हो गया वो जो जड़ नहीं है, सच्चिदानंद। कौन है सच्चिदानंद? भगवान, भक्त, धाम, भक्ति, शास्त्र और ये आत्मा, ये आत्मा विचित वस्तु। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो पाप का फल है वो अनात्म क्षण भंगुर देह को, और अपराध का फल है वो आत्म वस्तु देही या जीव आत्मा को स्पर्श करती है। अगर हमने पाप कर लिए तो फिर वो देह को स्पर्श करती। पाप कर दिए तो कितने ही रोग शोक और पता नहीं क्या क्या आएंगे। पाप कर दिया प्रारब्ध में, पहले पाप करके आए हैं तो प्रारब्ध में आ गया भाई इतना सारा दुख उठाएगा ये, तो रोग आएंगे, शोक आएंगे और ना जाने क्या क्या आएगा, शरीर जो है जार जार हो जाएगा। तो वो शरीर को स्पर्श करते, क्षण भंगुर देह को, अनात्म, अनात्म वस्तु वाला जो पाप है। और अपराध का जो फल है वो स्पर्श करता है आत्म वस्तु यानी देही को। सोचो इतनी मुश्किल से तो मानव जन्म मिला, बड़ी मुश्किल से, अहेतु की कृपा से ये मानव जन्म मिला, फिर आपने सुना सुलब्धवा दुर्लभम मानुषम जन्म अनित्यम अपिह धीरा जो बोला, तो भैया ऐसा देह मिला और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे देह को प्राप्त करके जो है विषय भोग के लिए चिंतन मत करो, सिर्फ परमार्थ के लिए चिंतन करो, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, तो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न। अब उसमें भी मतलब ये प्राप्त कौन करेगा? देह प्राप्त नहीं करेगा, देह ही प्राप्त करेगा। कृष्ण के माधुर्य का आनंद आत्मा भोग करता है, देह भोग नहीं करता। जब नाम की रगड़ लगते 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 चित विशुद्ध सत्व युक्त हो जाता है, भगवान से संपर्कित तो हो जाता है, स्पर्शित तो हो जाता है ना, तो उस विशुद्ध सत्व से उज्जवल चित्त में भगवान का आविर्भाव होता है। श्रीमन महाप्रभु का रूप, निताई चांद का रूप, प्रिया प्रियतम का रूप उसमें उभरने लगता है, आपका अपना मंजरी स्वरूप उसमें उभरने लगता है। तो वो किसे खुशी देता है, वो किसे सुख पहुंचाता है, कौन है जो ठंडक पाता है? वो है मैं, देही। देही ठंडक पाता है, देह ठंडक नहीं पाता। और देही को जब ठंडक मिलती है, देही जब डूबता है तो वो ये भी नहीं जान पाता है कि देह में क्या हो रहा है। इस हद तक हो जाता है कि देह में गर्मी लगी कि ठंड लगी कि पेट दर्द हुआ है, कि मुझे कितने घंटे हो गए बैठे बैठे, या कितने घंटे चिंतन में था। ऐसा मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना कि वो जान ही नहीं पाए, और जब बाद में बाहर आए, जिसे बाह्य दशा कहते हैं, तो फिर पता चला, अरे भाई ये तो पैर सो गया, अरे पैर फैलाया नहीं जा रहा, अरे कमर में दर्द आ गया। और जब उनसे पूछा जाए, अच्छा कमर में दर्द हर समय रहता है? तो बोलते नहीं, हर समय नहीं रहता। अच्छा समय नहीं रहता तो कब नहीं रहता? वो जब हम चिंतन करता है ना तब नहीं रहता है। चिंतन करता है, क्या चिंतन करता है? वो जब हम प्रिया प्रियतम का माधुर्य देखता है, विलास देखता है, तो नहीं रहता। तो नहीं रहता, नहीं रहता है, मगर वो आत्म सुख इतना ज्यादा भरपूर प्रगाढ़ होता है कि देह का अनुसंधान, जो कि शरीर करता है, शरीर का अनुसंधान आत्मा कर रहा होता है, जब तक उसे अपना सुख नहीं मिलता है तो सोचता है इसका जो सुख है वही मेरा सुख है, शायद सुख तो अपना खोज रहा है, पर इस शरीर से जो मिल रहा है उसे, उसे कह रहा है शायद यही मैं हूं और ये यही मेरा सुख है। आज मैंने बहुत बढ़िया रसगुल्ला खाया, मुझे बहुत मजा आया, यही मेरा सुख है। नहीं, ये तुम्हारा सुख नहीं है, अभी तो तुमने, तुम्हें सुख की एक बूंद नहीं मिली। जिस दिन उस सुख की बूंद मिल जाएगी सारे स्वाद भूल जाएंगे। भाई श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, एक मैं थोड़ा बात से इधर उधर घूम जाती हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा,
पर इसी को कहते हैं रसास्वादन, रस ले ले लेकर के जो है बोलते रहना। तो वो इतने से मट्ठे में कैसे रहते थे, जरे से मट्ठे में कैसे रहते थे भाई। और ऐसे लोगों के बारे में भी सुना गया कि सिर्फ थोड़ा सा पानी पीते हैं और वो रह लेते हैं सारा दिन। ऐसे लोगों के बारे में भी सुना गया, भजनानंदी लोगों के बारे में, कैसे होता है ये। तो पता चला कि भाई इनकी आत्मा इतना आनंद उठाती रहती है, डूबी रहती है डूबी रहती है, वहीं खाना पीना होता है प्रिया जी के साथ, वहीं उनको खिलाते हैं, वहीं प्रसाद पाते हैं, तो ये नरिश्ड रहते हैं, बॉडी भी नरिश्ड रहती है, पूरी पुष्ट हृष्ट पुष्ट रहती है शरीर भी, और आत्मा तो है ही बहुत आनंद में। तो वस्तुतः हम आत्मा का आनंद खोज रहे हैं, शरीर का आनंद नहीं खोज। शरीर के आनंद को हम सोचते हैं कि मेरा आनंद है, यही गड़बड़ हो गई, बेसिक गड़बड़ यही है। इसीलिए भजन की समस्त क्रियाओं को करते करते जब मन शुद्ध अति शुद्ध हो जाता है तो वो आनंद मिलता है, और जब वो आनंद मिलता है तब समझ आता है भाई वाकई शरीर और शरीरी दो अलग है। है ना। तो क्या बोला कि जीव आत्मा का भजन साधन जो है, जो कि उसकी जरूरत है इस आनंद को महसूस करने के लिए ताकि चित्त शुद्ध हो, तो भगवान जो प्रेम फेंके वो ग्रहण कर पाए। तो अपराध क्या करता है, जीव आत्मा के इस भजन साधन में भयंकर बाधा घटा देता है, भयंकर बाधा। आनंद आ रहा था, भर भर के पी रहे थे प्याले, अचानक हो गया अपराध किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया, ठीक है, या धाम के प्रति हो गया, या भगवान के प्रति हो गया, या श्री नाम के प्रति हो गया, नाम अपराध हो गए, कोई भी अपराध हो गया, और पता चला आनंद आना तो बंद हो गया भाई, पूर्ति होनी बंद हो गई, ये क्या है। फिर आदमी छटपटाने लगता है। जैसे कि देखिए हमारे जो आचार्य हैं बड़े प्यारे हैं, मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ, आप सबको पता है लेकिन यहां पर बोलना प्रासंगिक है। ये अपराध जागृति की अवस्था में भी हो जाते हैं। अगर रति आ गई है, प्रिया प्रियतम से बहुत प्रेम हो गया है और निरंतर स्फूर्ति होती है, निरंतर भाव में व्यक्ति बहता रहता है, अगर तब भी अगर अपराध हो गया तो स्फूर्ति बंद हो जाती है। इसका हम बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं हमारे प्रियतम आचार्य श्री श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन में। आप सबको पता ही है वो घटना, तो भी यहां बोल देते हैं, क्या पता कईयों को ना भी पता हो। तो हमारे प्यारे श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे थे। अब ये तो है भाई महाभाव के पके हुए महाभाव की कक्षा के नित्य सिद्ध परिकर और साधक का जामा पहनकर आ गए, अभिनय है साधक का, है ना, आचरण कर रहे हैं। तो अब लीला इनके लिए तो चिंतन करना नहीं होता, लीला बहती है। हमारे लिए प्रयास है, हम चेष्टा कर रहे होते हैं आंख बंद कर, है ना, घंटों आंख बंद करके लगे रहते हैं और नहीं हो पाता है, ठीक है। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं देखो भाई चित्त शुद्ध नहीं होगा, नहीं होगा तब तक, है ना। तो चित्त शुद्ध करने के लिए खूब नाम संकीर्तन कीजिए और बाकी जो बाह्य साधन बताए गए हैं उनमें खूब अनुरक्त होइए तो होने लगेगा, होगा क्यों नहीं, होगा ही। तो लीला प्रवाहित हो रही है, लीला धारा प्रवाहित हो रही है हमारे श्री रूप गोस्वामी जी के मानस सरोवर में, मन में। और अचानक उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाल है और वहां से प्रिया जी जो है पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और पहुंच नहीं पा रहा है हाथ। श्याम सुंदर जी ने श्री राधा को पकड़ा और ऊपर उठा दिया, लो जी आप पकड़ो। तो उन्होंने डाल पकड़ी और पुष्प तोड़ने लगी, और डाल पकड़ी तो श्याम सुंदर ने छोड़ दिया, तो वो डाल पे घूमने लग गए, डाल पे लटक गई। अरे 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 ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया सुंदर, और वो बोल रही हैं और अपने सिद्ध स्वरूप में वहां खड़ी है प्यारी रूप मंजरी जी, और वो देख रही है और वो भी हंस रही है, हंसी आ गई।
मुस्कुराने लगी, हंसने लगी खूब तेजी से, है ना। प्रिया जी की समस्त लीलाएं श्याम सुंदर के आनंद के लिए है, और वो भी आनंदित तो हो रही है रूप जी भी, कि देखो क्या शरारत कर बैठे श्याम सुंदर। और वहीं से एक वैष्णव सामने से जा रहे थे, थोड़ा लंगड़ाते लंगड़ाते, उनके पैर में कुछ दोष था, थोड़ा लंगड़ाते चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये जो रूप है ये मुझे देख करके हंसे, मेरी चाल को देख के वो बुरा मान गए, बुरा मान के बैठ गए, भयंकर अपराध हो। अपराध तो किया नहीं इन्होंने, इनकी क्या गलती, ये बाहर बैठे हैं, और इनकी तो मैंने कहा ना लीला बस चिंतन करना नहीं होता, चिंतन होता है। रूप जी को चिंतन हो रहा है लीला का, और वो हंस बैठे, और उसी समय लीला स्फूर्ति बंद। जो तैल धारावत है लीला, हर समय लीला चिंतन, हर समय चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लीला चिंतन बंद, लीला दिख नहीं रही, कहां गए प्रिया प्रियतम, कहां गए। अब जैसे कहते हैं ना, जल बिनु जैनो मीन, दुख पाए आयु हीन, सही मतो प्रेम बिना भक्ति रे जीवन। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर ही कुछ ऐसे कह रहे हैं। तो श्री रूप मंजरी जी प्रिया जी के भावों में डूबी रहती हैं हर पल हर क्षण। जैसे ही वो मंजर, जैसे ही वो दृश्य गायब हुआ आंखों से, चित्त से, वो छटपटाने लगे कि ये क्या हुआ, फिर प्रयास कर रहे हैं, फिर प्रयास कर रहे हैं, ये क्या हो रहा, दिख क्यों नहीं रहे हो, कहां चले गए, अब तो बेचैन हो गए, खेदेर महाविवलो, भयंकर विवल हो गए, हाय हाय कहां चली गई, हा राधे हा राधे हा राधे कहां चले गए आप, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। दौड़े दौड़े गए अपने बड़े भैया के पास, सनातन जी के पास, कि भैया बहुत अजीब सी बात हो गई, बहुत सुंदर लीला दिखती थी और पता नहीं क्या हो गया, अचानक मुझे कुछ स्फूर्ति नहीं हो रही है, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया। सनातन जी ने कहा, जरूर तुमसे कुछ अपराध हुआ है रूप, तुमने शायद अनजाने में कोई अपराध कर दिया है, कुछ गलती हो गई है। रूप जी बोले, मैंने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया, मैं तो कहीं किसी से मिला भी नहीं, कैसे पता लगाए जाए कि हमने कोई अपराध किया, किसके प्रति किया। सनातन जी ने एक उपाय सुझाया, देखो रूप एक काम करो, सबको यहां पर बुलाओ, प्रसाद का भंडारा करो, सबको प्रसाद के लिए बुलाओ, जो नहीं आएगा आपके निमंत्रण को अस्वीकार कर देगा उसी के प्रति अपराध हुआ, उसी से क्षमा मांगनी। किया गया यही कुछ, और वो जो थे वैष्णव जी जिन्होंने अपराध ले लिया था वो नहीं आए। और उस समय कितने लोग ही रहा करते थे, आज की तरह थोड़ी ना कि इस वृंदावन धाम में हजारों लाखों की भीड़ हो, ऐसा तो नहीं था, चंद लोग रहा करते थे, ब्रज 84 कोस में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, जंगल एरिया था ज्यादा से ज्यादा। ओहो पता चल गया, रूप जी उनके पास गए और क्षमा मांगी। रूप मंजरी जी नित्य सिद्ध परिकर, प्रिया जी की प्रियतम दासी मंजरी, उनके समस्त भावों को अच्छी तरह से जानती हैं, भाव अनुरूप सेवा करती हैं, सबको सेवा सिखाती हैं, उनके बगैर काम ही नहीं चल सकता श्री जी का, तो फिर वो क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं उन वैष्णव के चरणों। आपने बहुत बड़ा अपराध ले लिया, हम तो ऐसे लीला देख रहे थे, तो वहां ऐसा ऐसा हुआ तो हम हंस पड़े, लगता है आपने कोई अपराध ले लिया, मुझसे कोई भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब कहीं जा करके उनका जो मन है उन वैष्णव का वो शांत हुआ, जब बात पता चल गई, और तब फिर से लीला स्फुरित होने लगी। तो अपराध इतना भयंकर होता है, भयंकर होता है, कि आपके जो भजन है, हमारा जो भजन है वो बिल्कुल चौपट करके रख देता है, बढ़िया माला चल रही है जी, बढ़िया चिंतन हो रहा है, अपराध हो गया, किसी की तरफ हमारी दोष दृष्टि आ गई, आंख ऐसे उठा करके देख लिया, गुस्से में देख लिया, या किसी ने ले ही लिया अपराध ना। इसीलिए कई बार
मतलब ये कहा जाता है कि सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णवों का संग करो, पर सभी वैष्णवों का संग मत करो। वैष्णव तो सभी हैं, सबको दंडवत करो, प्रणाम करो, संग मत करो। संग करने में क्या होता है भाई, हमारी तो, मैं तो अपनी बात कहती हूँ, सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत भयंकर हूँ। मैं तो ये जानती हूँ कि मुझसे तो दोष मैं तो दोष देख ही लेती हूँ, दोष देख ही लेती हूँ। अगर दोष देख लेती हूँ तो फिर कहाँ से होगा कुछ। गुरुदेव ने इतना कुछ दिया लेकिन मैंने तो दोष देख लिया, ये तो ऐसी है, इसने तो ये किया हुआ है, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, दोष दिख जाता है। इसलिए बहुत सारा जब हम ये सोचते हैं कि खूब वैष्णव का संग हो, तो कहीं से पता चलता है, उड़ते उड़ते वहां से एक खबर आई, अच्छा तो क्या है ना, ये हमारे जो कान है ना, निंदा सुनने के बड़े ही शौकीन है, ये भयंकर कान, हमने जन्म जन्म से इन्हें ट्रेनिंग दी है कि चुगली सुन ले, उसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी निंदा। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये बोलता हो, भाई परचर्चा यहां मत करो, बहुत मुश्किल है ये बोलना, परचर्चा मत करो। कई बार तो ऐसे लोग निंदा कर रहे होते हैं जो कि बहुत महानतम वैष्णव है, उन्हें कैसे बोले भाई परचर्चा मत करो। गोसाई के कैटेगरी के लोग निंदा कर रहे होते हैं दूसरे वैष्णवों की, और हम कैसे बोले हाय परचर्चा मत करो। हम सोचते प्रभु कहां फंसे, लेकिन क्या करें, है ना। और कई बार फिर थोड़ा सा तो ऐसा लगेगा, उसके बाद हाँ आनंद आएगा। कई बार तो हम जानते भी नहीं है किसकी चर्चा हो रही है, तो भी सुनना पड़ता है। मतलब ये आत्मानुभव बता रही हूँ मैं, जो मुझे इतने वर्षों में हुआ। कई बार जानते नहीं है, और कई बार तो हमारे मुंह से भी निकला हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं तो महापरम घोरतम भयंकरतम अपराधी रही हूँ। बहरहाल जो भी बात है, बात यह है कि अपराध जो है वो जीवात्माओं के भजन साधन का निदारुण बाबा ने शब्द लिखा है कि भयंकरतम बाधा पहुंचाता है, साधन भजन में शिथिलता आ जाती है। अब यहां पर गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, विषय जातीय अपराध की अपेक्षा और आश्रय जातीय व महत के प्रति अपराध से भक्ति पूरी तरह जड़ सहित शुष्क हो जाती है और उससे भक्ति विलुप्त हो जाती है। विषय जातीय अपराध क्या होता है, यानी ठाकुर जी के प्रति अगर आपने कोई अपराध कर दिया, आपसे हो गया तो ठाकुर जी इतना नहीं लेते हैं अपने ऊपर, कोई बात, बच्चा है, भक्त वत्सल है ना, वत्सल है कि कोशिश तो कर रहा है, इस कलयुग में लगा तो है बेचारा, कोई बात नहीं, ठीक है, बाएं हाथ से स्पर्श हो गए ठाकुर जी, अरे हम तो भूले गए दाएं हाथ से करना था भाई, है ना, अरे माला तो इस उंगली से भी, ये क्या हो गया, उंगली से उंगली भी लग गई है ना, समझ रही हो। फिर विषय जातीय है ना, माने जल्दी इनको उठाओ, नहलाओ धुलाओ, अरे भाई बाकी भी भजन के अंग रह गए, तुमको थोड़ी देर में नहला देंगे, थोड़ा इंतजार कर लो तो वो तो ले लेते, कोई बात नहीं, तू भजन ही कर रहा है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आश्रय जाती है, आश्रय जाती है, देखो एक माँ बाप है, समझे ना, माँ बाप को आप चार गाली भी दे दोगे वो इतना बुरा नहीं मानेंगे, मगर उसके बच्चे को थप्पड़ मार दिया या उसके बच्चे को गाली दे दी या उसके बच्चे का अपमान कर दिया, तो माँ या बाप बहुत बुरा मानेंगे, उनकी ममता भयंकर हर्ट होगी। आपने उनको डायरेक्ट बोल दिया तो वो इतना बुरा नहीं मानेंगे, भाई बच्चा जो है ना, बच्चा वो माँ बाप को बहुत प्यारा लगता है, ऐसे ही जो भक्त है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, कि वो भक्त वत्सल कहलाते हैं, कि मैं जैसे गैया अपने गंदे मंदे बच्चे को चाट चाट के उसे साफ कर देती है, मैं तुझे चाट चाट के ठीक कर दूंगा, अपनी सेवा के लायक बना दूंगा, बात समझ आई, वो भक्त वत्सल है। तो जब भक्त से इतना प्यार करते हैं कि वो इतना इंतजार करते हैं बेचारे कि उसके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा बनकर के बैठ जाते हैं, अब देखो तो वो प्रत्येक जीवात्मा से ही प्रेम करते हैं ठाकुर जी, माया शक्ति माया स्वरूप के द्वार से होकर के उसको ये सारी इंद्रियां देते हैं, इंद्रियों में शक्ति देते हैं, बनते हैं वही खुद शक्ति, और फिर विषय देते हैं, विषयों का साथ उसका योगा योग घटाते हैं, वो विषय का भोग कर पाता है, ऑक्सीजन देते हैं, सब्जियां देते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य देते हैं, सब कुछ देते हैं, निरोग काया देते हैं सब, और फिर चैत्य गुरु भी बन जाते हैं, फिर वेद देते हैं, गीता देते हैं, भागवत देते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत देते हैं, क्या कुछ नहीं देते, इतना कुछ देते हैं हमारे प्यारे प्रभु फिर गुरुदेव के रूप में शिक्षा देते हैं तो शिक्षा गुरु हो जाते हैं, दीक्षा देते हैं तो दीक्षा गुरु हो जाते हैं, और दोनों एक तत्व हैं। जो ये कहता है कि इनमें भेद है वो पागल है,
क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभेद है, दोनों ही नित्यानंद तत्व हैं। शिक्षा गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारे प्यारे बिल मंगल ठाकुर जी ने कहा कि वो शिखी पिंच मौली, शिक्षा गुरु जी शिखी पुंच मौली हैं, है ना? ठीक है ना, यानी कि साक्षात कृष्ण है और दीक्षा गुरु भी साक्षात कृष्ण है, तो वही आते हैं अपना दोनों स्वरूपों में आपका काम कर जाते हैं। तो वो जो इतने भक्त वत्सल हैं, जिनका इतना महान अभियान है कि तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जहां जहां जिस जिस शरीर में जाओगे मैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बैठ के तुम्हारी गतिविधियां देखूंगा कि जब भी तुम मेरी तरफ मुड़ोगे तो ताकि मैं लपक लूं तुमको, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल दूं। मुड़ने की इच्छा तुम्हारी होगी, क्योंकि मजा तभी है दो लोगों में कि जब तुम प्यार करो, तुम्हें प्यार कराया ना जाए। मजा तो तभी है ना कि तुम्हें स्वतंत्रता दे दी और तुमने चुना कि मैं भगवान तुमसे प्यार करता हूं, तुमने चुना तो प्यार का आनंद अलग है। अब मारपीट के प्यार कराया जाएगा क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो तभी है। तो अब जब इतना बड़ा अभियान है जीव के साथ ठाकुर जी का, और फिर वो भक्त बन जाता है बेचारा किसी तरह भगवान के प्रयास से, अब हमारे अंदर क्या शक्ति है कि भक्ति करेंगे? है कोई शक्ति उसको समझ पाएंगे? अब वो भक्त बन गया, और जैसे ही वो भक्त बना हमने कर दिया उसके प्रति अपराध, तो ठाकुर जी हो गए बड़े, क्या हो? तुम किसी भी भक्त को ना छोटा बोल सकते हो ना कुछ बोल सकते हो, ना कोई भक्त छोटा है ना बड़ा, कुछ नहीं, सब भक्त। जिसने भी हरि नाम करना प्रारंभ किया, कृष्ण नाम लिया, सब भक्त है। जीवात्मा के प्रति ही सदैव होना होगा, तो ये अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। जब सब जीवात्मा में भगवान को देखोगे कि भगवान आपके अभियान चल रहा है, देखो सब में चल रहा है आपका अभियान, चींटी जा रही हो, जब चींटी दौड़ रही है तो देखो ठाकुर जी भी दौड़ रहे हैं इसके साथ, यही बैठे हुए हैं, दौड़ नहीं रहे, ठाकुर जी वहां बैठे हुए हैं चींटी में, समझ रहे हो? ठाकुर जी को जब देखेंगे हम हर जगह, तो फिर कोई छोटा दिखेगा ही नहीं। छोटा कहाँ है, कोई कोई भी छोटा नहीं है, हर में हर एक में प्रोबेबिलिटी है। हमारे मेरे जो गुरुदेव हैं बहुत ही प्यारे हैं, देखिए मेरे गुरुदेव एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो एक छोटा सा गड्ढा होता है ना, गड्ढा है, उसमें मान लो एक एक उस गड्ढे में जल है, और वो जल वहां फंसा पड़ा है, बह नहीं पा रहा है, उसमें वो कीचड़ हो गया, गंदा सा हो गया, मगर उसमें बहने की प्रवृत्ति है, उसको चांस नहीं मिला है बहने का, वो बहना भूला नहीं है। जब यथा अनुकूल, पूर्ण अनुकूल उचित समय आएगा, बरसात होगी और बारिश से वो गड्ढा लबालब भर जाएगा और ऊपर आने लगेगा, तो वो गड्ढे का पानी बह के समुद्र की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव आत्मा में भगवत प्राप्ति करने की, भगवान को प्राप्त करने की क्षमता है, प्रवृत्ति है, अविद्या द्वारा ढकी हुई। जीव स्वरूपता कृष्ण का दास है, इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता है, इस बात को हमेशा याद रखनी। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो विषय जातीय अपराध है उसकी अपेक्षा आश्रय जातीय अपराध, यानी महत्व के प्रति अगर हम अपराध करते हैं, गुरु जी के प्रति अपराध करते हैं, महान वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो फिर वो जो है हमारी भक्ति को समूल कर दे। श्रीमन महाप्रभु ने तो श्री चैतन्य भागवत में तो बारंबार बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, ये भक्त अपराध मुझसे नहीं सहा जाता। महाप्रभु ने बोला ना कि वो पूरा का पूरा जो है शाखा ही मतलब पूरे के पूरे जैसे बगीचा लगा हुआ है, और बगीचे में कोई हाथी छोड़ दो पागल, तो वो क्या करेगा, पूरा समूल सारे पौधों को नष्ट कर देगा, जड़ समेत उखाड़ के फेंक देगा, बगीचा था है नहीं, कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। ऐसे ही जो नाम अपराध है, खासतौर से भक्तों के प्रति अपराध, वो भाई भयंकरतम अपराध है, भयंकरतम अपराध है, भयंकरतम अपराध है। इसीलिए इतना हरिनाम लेते हुए भी, इतनी कथा श्रवण करते हुए भी, इतना सब कुछ करते हुए भी, हम कभी भी प्रिया प्रियतम के लिए हाहाकार नहीं करते हैं, आरती उत्कंठा नहीं होती हमारे अंदर, हमारे अंदर अभाव उत्पन्न नहीं होता, हम बस जो है भजन करते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है किसी दूसरे वैष्णव को देखते हैं और फिर चुगली और निंदा करने लगते हैं, अरे वो तो ऐसा,
क्या 2 घंटे कथा सुन के आए, बाहर निकले फिर मैले को चले। तो इसलिए भक्तों के प्रति अपराध से सावधान रहना चाहिए। विषय जाति अपराध या भगवान के प्रति अपराध भक्ति को आवृत या फिर कभी संकुचित करता है, और जब वो निवृत्त हो जाता है तो भक्ति प्रकाशित हो जाती है। तो भक्ति क्योंकि चिन्मय है ना, तो जैसे आत्मा चिन्मय है, आत्मा को ना काटा जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, ऐसे भक्ति जो है अगर आ गई आपके अंदर, ना उसे काटी जा सकती, ना गलाई जा सकती, ना सुखाई जा सकती, पर वो आवृत तो हो सकती है, वो ढक जाएगी, ढक जाएगी, संकुचित हो जाएगी, लेकिन जैसे ही अपराध की निवृत्ति हो जाएगी वो पुनः प्रकाशित जैसे पहले। इसलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवत अपराध की अपेक्षा वैष्णव अपराध की भीषणता को जानना होगा, कि बात समझ। अपराध का जो मूल तत्व है, अब देखो गुरुदेव कह रहे हैं, अब अगर हम ये तत्व ढूंढे कि अपराध होते क्यों हैं, अपराध का मूल तत्व क्या है, अपराध का मूल तत्व अगर हम खोजेंगे तो समझा जाएगा कि प्यार का जो प्रतियोगी है, प्रीति का जो प्रतियोगी है वो द्वेष, उस द्वेष से अगर कोई भयंकर कार्य करता है वही अपराध का जड़ है। मतलब हृदय में अगर प्रेम की जगह द्वेष को स्थान मिल गया तो फिर द्वेष तो फिर पता नहीं क्या क्या ना, द्वेष, नफरत, द्वेष, किसी भी के प्रति द्वेष, ये द्वेष नाम का शत्रु बैठ गया अंदर, ठीक है। अब हमें हर एक से द्वेष होता है जी, इससे भी होता है, उससे भी होता है, और भजन में आने के बाद अभी द्वेष को, अभी द्वेष से पीछा नहीं छूटा है, जलन है ही, ईर्ष्या है ही, वो फिर से अपराध करा देगा, आज आपके प्रति करा दिया, कल उसके प्रति करा देगा, कल और महत के प्रति करा देगा, वो द्वेष है प्रीति का प्रतियोगी। यानी यहां होना चाहिए था प्रेम, इस हृदय में होना चाहिए था प्रेम, प्रेम तो बैठा नहीं, अभी तो प्रेम बहुत दूर है, और वहां हमने बिठा रखा है द्वेष को, है ना, निंदा चुगली सुनते हैं करते हैं, इससे हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो द्वेष भाव है अहंकार मूलक है ना, इसलिए प्रीति योग्य महापुरुष के अंदर तथा प्रीति के आश्रय भूत साधक के अंदर एक व्यवधान सेतु की रचना करता है। कहते हैं कि इस अहंकार का मूल क्या है, इस अहंकार ओ सॉरी इस द्वेष का मूल क्या है, अहंकार, 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 क्या अहंकार, हम तो भक्ति में आ गए, सब कुछ छोड़ के आ गए, तो अहंकार किस बात का, अरे छोड़ने का भी तो अहंकार होता है भाई, मैं छोड़ पाया वो नहीं छोड़ पाया, अहंकार, हम त्यागी अरे वो गृह, अहंकार। कितने गृहस्थों ने भगवत प्राप्ति कर ली भाई, भगवान शिव, महाराज अमरीश जी, प्रहलाद जी, कितने कितने गृहस्थ भक्त हुए, भगवत प्राप्ति कर ली, अहंकार, मैं पंडित, मैंने तो इतना कुछ किया, इतनी अच्छी संस्कृत आती है हमको और सब कुछ आता है, शास्त्रों के श्लोक कंठस्थ है मुझे, वो उसे क्या आता है, और वाकई कोई कुछ नहीं आता, मैं तो अपने बारे में कहूं तो मैं तो जीरो हूं, हर तरफ से शून्य 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 शून्य, सिर से लेके नीचे तक शून्य, अंदर शून्य, बाहर शून्य 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 शून्य, आगे एक नहीं है, प्रिया प्रीतम रूपिया गौर रूपी एक होता वो तो नहीं है खैर, लेकिन वाकई मुझ में तो अगर कोई गुण ढूंढेगा तो गुण वाकई नहीं मिलेगा, दोष ही दोष है, लेकिन ये जो अहंकार है ना, ये इतना भयंकर है, अनफॉर्चुनेटली जिनके, एक मेरे गुरुदेव को छोड़ के मैंने अपने गुरुदेव में वो चीज देखी नहीं कभी, मेरे गुरुदेव में पांडित्य भरा हुआ था, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसके मर्म को वो नहीं जानते, श्लोक के बाद श्लोक, श्लोक के बाद श्लोक, श्लोक के बाद श्लोक, है ना, लेकिन तो भी इतना प्रेम,
इतनी प्रीति, ओहो, कौन स्त्री कौन पुरुष, शायद वो तो ये भी नहीं जानते। सुखदेव जी की जो अवस्था, वो भी नहीं समझ पाते थे अपने भक्त में, अपने स्वरूप में ऐसे अवस्थित कि सभी मंजरियां दिखती होंगी उनको, तो दिखती ही थी बाबा के तो आंखों में, बस मैं तो प्रेम ही देखती थी कभी द्वेष तो देखा नहीं। अब ये कहोगे कि तुम मिली ही कितनी, लेकिन तो भी उनकी रचनाओं से जाना जाता है, क्योंकि जिसके हृदय में इतना प्रेम नहीं होगा वो ऐसी रचना नहीं कर सकता, वो ऐसा लिख नहीं सकता भाई, ऐसी कलम नहीं हो सकती, ऐसी भाषा नहीं हो सकती। प्रेम में जो डूबा है, जिसका कण कण प्रिया प्रियतम के प्रेम में डूबा है, उसकी ही वाणी इतनी ओजपूर्ण होती है, इतनी तेजोमय है। तो एक उनको छोड़ के बाकियों से मैं क्षमा मांगती हूं, लेकिन लेकिन तो भी मैंने देखा है कि लोग जो हैं बहुत अच्छा भजन करते हैं, बहुत अच्छा भजन करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक पांडित्य का जो अभिमान है वो हृदय में इस भाव को ले आता है कि वो क्या, और वो लोग अरे भैया कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, वो अपने प्यारे महाप्रभु के एग्जाम्पल को याद रखो ना। महाप्रभु गए, मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में ही, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बहरहाल जहां भी गए, घटना बताना चाहो कि वहां देखा कि एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहे हैं और सब उनकी भगवत गीता की पढ़ाई को देखकर बड़े बड़े पंडित लोग हंस रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। श्लोक भी नहीं बोल पाते ढंग से, कोई श्लोक नहीं बोल पाते, टूटा फूटा श्लोक बोलते हैं और रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और भगवत गीता पढ़ रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु कह रहे के पास जाके कि भाई ये बताओ, ये तो समझ आ रहा है कि तुम भगवत गीता का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो और श्लोक में बहुत भूल है, अर्थ तुम अर्थजनक आनंद तुम्हें नहीं मिल रहा है, कि भाई अर्थ से कुछ आनंद मिले, अर्थ का आस्वादन करके तुम हिल जाओ, लेकिन तुम रोए जा रहे हो, आंसू पे आंसू आ रहे हैं, आंसू पे आंसू आ रहे हो और पढ़ना नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने कहा, एक तो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़ना, तो हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जब जब हम अपने प्यारे कृष्ण को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ प्रभु तुम कितने भक्त वत्सल हो कि अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। यहाँ तो लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारी ड्राइवर से ज्यादा औकात नहीं है, ऐसे कॉमेंट आते हैं लोगों, और यहाँ पर देखो हमारे प्यारे कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जी, बोलो तो सर्व समर्थ ड्राइवर बन गए। तो मैं ये देखता हूँ कि प्रभु तुम कितने भक्त वत्सल हो, तो मैं ये देख देख के अपने प्रभु की करुणा को देख देख के, उनकी भक्त वत्सलता को देख देख के आकार करता हूँ, उतर रहता हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते। मेरे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भैया गीता तो तुमने ही समझी, बाकी तो पढ़ने में रह गए अर्थ अर्थ और तर्क तर्क और बैठ करके उसका श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के, और उसका भैया पाठ करा रहे हैं जी, 1 महीने से पाठ चल रहा है लेकिन आज तक क्या समझ पाए कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, ये बात समझ पाया कोई कि सब भगवान के अंश ही हैं, कहीं से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में बहने की प्रवृत्ति है ठाकुर जी की तरफ, कोई समझ पाया? बहुत तो बहुत समझ पाए, लेकिन जब हम रह गए उसमें तो फिर रह गए। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मेरे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, उनकी ये वाणी है कि जो द्वेष भाव है ना, ये अहंकार मूलक है, अहंकार से उत्पन्न होता है, अपनी योग्यताओं का अहंकार। मैं भक्ति के बारे में बात कर रही हूं, मैं बाहर तो जा नहीं रही, वहां तो द्वेष ही है, यहां तो प्रेम होना चाहिए ना, यहां तो प्रेम होना चाहिए ना, यहां तो प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम से तड़पता हुआ हृदय दिखना चाहिए ना, जो प्रेम से आकुल व्याकुल हृदय है, वो रो रहा है, तड़प रहा है, हाहाकार कर रहा है, वो सबको ही अपने से ऊंचा देख रहा है, क्योंकि है ही सब ऊंचे, वो हृदय होना चाहिए ना। लेकिन वो बीच में क्या आ जाती है बात की, जो बोले अरे वो संप्रदाय के लोग बेकार, क्या मतलब अभी संप्रदाय के लोग बेकार है? अरे भाई हरि नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, बेकार कैसे हो सकते हैं? अरे हाँ मंजरी भाव ठीक है, वो एक स्टेज है, मगर बेकार तो कोई नहीं है संसार में, वो भी बेकार नहीं है जो हरि नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी हरि का नाम लेगा,
हमारे श्रीमन महाप्रभु कह रहे थे श्री हरिदास ठाकुर को कि हरिदास मैं बहुत चिंतित हूं। क्यों? मैं चिंतित हूं कि ये यवन लोग कैसे भगवत प्राप्ति करें। तो हरिदास जी ने कहा, चिंता नहीं प्रभु, ये लोग जब बहुत दुख पाते हैं तो हराम बोलते हैं, या ये लोग बोलते हैं कि अरे ये चीज खाना पीना हराम है, तो एक हा हो गया आरती मूलक हा, और राम तो आ ही गया, तो प्रभु हराम से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चिंता मत करिए। हाँ, तो मैं एक बार राधिका से पूछ रही थी कि अच्छा राधिका ये बताओ, राधिका ही बोल रही थी मतलब कि अच्छा मम्मी ये तो ठीक है, फिर जो अंग्रेज लोग हैं वो कैसे भगवत प्राप्ति करते हैं, ना तो राम बोलते हैं ना हराम बोलते हैं, वो कैसे करेंगे। मैं सोचती रह गई सोचती रह गई, आकाश पाताल सोच रही हूँ, तो अचानक बोली मैं बताऊं कैसे करेंगे, कैसे, वो बोलते हरी अप तो वो हरि का नाम ले लेते हैं, जो एक बार हरि का नाम लेता है वो भी भगवत प्राप्ति कर लेता है, मम्मी वो हरि अप बोल देते हैं। क्या बात, एक बच्चा ये सोच सकता है, छोटा सा बच्चा है, कि वो हरि का नाम ले लेता, सोचिए। तो वाह, तो यानी कि प्रवृत्ति सब में है भगवत प्राप्ति की, सब भाग तो रहे हैं उसी तरफ, आनंद को पाना चाह रहे हैं, वो भगवान ही की तो वृत्ति है आनंद, तो अपराध किसके प्रति करें, क्यों करें। तो इसलिए अहंकार वो है मूल में, जाति का अहंकार, सबलता का अहंकार, अरे कितने ही करोड़ों भयंकर भयंकर अहंकार, माने द्वेष के स्वरूप भरे पड़े हैं हृदय में, हमें पता भी नहीं चलता, वो सूक्ष्म रूप में भी बैठे रहते, वो स्थूल रूप में दिखे तो हम निकाल दें, वो सूक्ष्म रूप में भी बैठे रहते हैं, वो आहत होता है तो हम कहते हैं क्या हम कुत्ते हैं कि हमें कुत्ते की तरह दुत्कार दिया, अरे वो भी तो जीव आत्मा है, कुत्ते की तरह दुत्कार दिया क्या होता है, कुत्ते हैं कि नहीं उसे क्या फर्क पड़ता है भाई, आत्मा है वो भी आत्मा है, सब भगवान के हैं, सब भगवान के बच्चे। नामदेव जी कुत्ते को क्या किए, भगवान ने रोटी, नामदेव जी ने रोटी बनाई, कुत्ता आ गया, कुत्ता आया और नामदेव जी चूंकि हरेक में भगवान के दर्शन करते थे, कुत्ते ने रोटी ले ली वहीं से, तो वो भगवान का दर्शन करते हैं हरेक में, तो बोले अरे कुत्ते प्रभु, कुत्ते भगवान, ऐसे मत जाओ प्रभु, ऐसे मत जाओ, मैंने घी नहीं लगाई रोटी में, जरा घी लगा लेने दो, ढंग से खाना प्रभु, ऐसे मत ले जाओ, और ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, जय हो। सोचो क्या है ये, है ना, तो दुख होता है कि द्वेष भाव अहंकार जो है वो जो अहंकार मूलक है ये द्वेष भाव, इसीलिए इसी के कारण व्यक्ति अपने को उत्तम समझता है, अज्ञ होकर भी मूर्ख होकर भी खुद को क्या समझता है, विज्ञ समझता है कि मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं, ये मेरी कथा है, ये मेरी बात है, मेरी विद्वता जग जाहिर है ये बाबा मेरे लिए बोल रहे हैं, देख तू महाअज्ञ है, स्त्री कहीं की मैं तो हुई, बाबा नहीं बोलते ऐसे, मैं अपने आप को बोल रही हूँ, एक तो इस शरीर में हूँ अधम शरीर, कभी कोई वैष्णव संग कर नहीं सकते इस शरीर के द्वारा, कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते, सब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, सारी स्त्रियां बहुत प्यारी, अपने बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मूर्ख आदिपति हूँ, तो इसलिए मूर्ख होके भी खुद को विद्वान समझते हैं, चार बातें बोल लेते हैं हंस हंस के, तो लगता है हम कितने बड़े हो गए भाई। तो इसलिए बोला कि महत गणों के प्रति प्राकृत ज्ञान से अवज्ञा और अनादर जब कोई करता है खुद को उत्तम समझ करके, तो फिर वो अपराध के फेर में दुष्चक्र में पड़ता चला जाता है। भक्ति शास्त्र में महत का मतलब है श्री गुरु, अब महत कौन है, महत अपराध क्या, श्री गुरु के प्रति अपराध, श्री वैष्णव और भगवान का धाम, और भगवान के धाम में जो भगवान का धाम क्या है, निर्गुण है, वहां कोई ना सतोगुण रहता ना रजोगुण ना तमोगुण, वो तीन गुणों से ऊपर है, जैसे भगवान तीन गुणों से ऊपर है, भगवत विग्रह तीन गुणों से ऊपर है, भगवान का धाम तीन गुणों से ऊपर है, और भगवान के समस्त प्राणी भी तीन गुणों से ऊपर है, बस हो गई राधे राधे, सारे ब्रजवासी भी धामवासी भी तीन गुणों से ऊपर है, धामवासी तीन गुणों से ऊपर है, ठीक है ना, इनमें इनके देह में अप्राकृत, इनकी देह है अप्राकृत और निर्गुण, ये गुरुदेव कह रहे हैं,
इहादेर देहादि अप्राकृत व निर्गुण, अप्राकृत है इनका सब कुछ, कुछ भी प्राकृत नहीं है, कुछ भी दुनियावी नहीं है, कुछ भी दैहिक नहीं, सब कुछ अप्राकृत है। तो अगर उनकी नाक बह रही है या कुछ वो गंदगी से दिख रही है तो महाप्रभु को याद करो कि सनातन गोस्वामी जी को जाके चिपक गए। क्या बोला महाप्रभु ने? वही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी हैं, जिनको कई बार कहा जाता है कि रूप गोस्वामी जी के अवतार हैं, रूप जी दोबारा आए हैं। तो रसिक व्याख्याएं की उन्होंने, प्यारी प्यारी टीकाएं की हैं। तो वो अगर कह रहे हैं कि यहां जो धामवासी हैं इनके देह अप्राकृत है और निर्गुण है, तो ये मननीय विषय है, इस पर मनन करने की आवश्यकता है। थिंक अबाउट इट ओनली, सोचते रहो सोचते रहो, सच में इनकी देह अप्राकृत है ना। अगर ये कुछ गलत काम कर दें, कुछ वो कर दें, तो भाई मेरा अधिकार नहीं है कि किसने गलत काम किया और किसने सच काम किया, अच्छा काम किया। ये ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी के जन है भाई, प्रिया प्रियतम के जन है, इनके 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 विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। सीधी सी बात है, क्यों ऐसा बोल रही हो? अरे मैं क्या बोल रही हूं, महाप्रभु ने जगदानंद पंडित जी को बोला, तुम भैया मत जाओ वृंदावन, तुम धामवासियों के प्रति अपराध कर दोगे, तुम्हें तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तुम तो तू तड़ा कर दोगे, उनकी तो बड़ी खड़ी भाषा है ना, क्या कर रहा है, कैसे भी बोलते हैं जो ब्रज भाषा में, तो तुमको तो अजीब लगेगा, तुम कुछ बोल दोगे तो फिर सब कुछ किया कराए पे पानी फिर जाए। तो वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि यहां पर बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जिस पर आपकी उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे, प्रश्न चिन्ह लगेंगे, लेकिन भजन बचाना है ना, भजन करना है। तो ये बात एक अंडरलाइन कर लीजिए कि यहां पर धाम निर्गुण है, अप्राकृत है, और धामवासी भी निर्गुण अप्राकृत। धामवासी मींस हर कोई, हर कोई, जाति वर्ण हम नहीं देख सकते, हमारा अधिकार नहीं है। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारा जो ब्रज है उसमें, उसका जो प्रांत देश है उसमें भी अगर कोई नीच जाति रहती है, कि भाई पहले ऐसा होता था ना कि भाई ठीक है तुम्हारा, अगर तुम चतुर्थ वर्ण के लोग हो तो तुम जो है प्रांत देश में रहो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम उनके, वो जहां पर पैर धोते हैं जिन पत्थरों से रगड़ रगड़ करके, वो पत्थर मुझे बना दो, प्रभु मुझे पत्थर बना दो, तो भी मैं जो है ज्यादा भाग्यशाली होऊंगा कि ब्रह्मा जी बन गया उससे ज्यादा। तो ये मैं क्या डिसाइड करूंगी, जब ब्रह्मा जी इतनी बड़ी बात बोल दी है, इसका मतलब ये है कि सारे ब्रजवासी पूजनीय है, खत्म, बात, फुल स्टॉप। उसके बाद कोई वर्ण जाति वाति हमारे लिए मैटर नहीं करती है, बस सब कोई जो यहां आ गया, यहां यहां पे एक कार एंटर कर जाती है वो भाग्यशाली है भाई, तो वो लोग तो यहां जन्मे हैं सबके सब। क्या बात कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव ने जब ये लाइन बोली कि यहां की देह, यहां पर जो लोग जन्मे हैं सबकी देह और गुरु वैष्णवों की देह अप्राकृत और निर्गुण है, इनके प्रति प्राकृत दृष्टि ही महद अवज्ञा रूपी अपराध है। आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सोच लिया अरे ये तो बस खत्म, अपराध हो गए। अरे ये तो ये अपराध, प्राकृत बुद्धि ही अपराध है, गुरुदेव बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं, हम तो अपने गुरुदेव के अनुगत्य की बात बोल रहे हैं। मेरी तो कोई बुद्धि ही नहीं है, अपनी बुद्धि तो चलती नहीं, हम तो जीरो है, बोला ना ऊपर से लेके नीचे तक जीरो। तो मगर मेरे गुरुदेव तो हीरो है, गुरुदेव ने बोल दी बात। अरे उन्होंने अपने मन से बोली, ऐसी बात नहीं है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने श्री वृंदावन महिमामृतम में जो बोला धाम के बारे में, हमारे प्यारे श्रीमद महाप्रभु जो बोल रहे हैं, हमारे आचार्य जो बोल रहे हैं, जो सिखा गए हमारे प्यारे गुरुदेव, वही बोल, है ना। तो इसलिए
इसलिए कहा गया कि इनके प्रति प्राकृत दृष्टि रखना ही महद अवज्ञा रूपी अपराध है। खत्म। महद अवज्ञा, ढूंढो मत किसको मैंने क्या कह दिया, ये देखो कि किसको मैंने कैसे देख लिया। यहां झाड़ू लगा रही है कोई, झाड़ू लगा रही है, कुछ कर रही है, अरे झाड़ू लगाती रहती है लोग तो, पान चबाती रहती है लोग, अरे तुम्हारे ठाकुर जी ना चबाते पान, तांबुल सेवा दे रखी है, तुम्हारे ठाकुर जी तो चबाते हैं पान, प्रिया जी चबाती हैं पान, ललिता आदि जो है सखियां वो तांबुल सेवा करते हैं, यहाँ तो पान मुख्य है भाई, यहाँ के ब्रजवासी पान नहीं चबाएंगे तो कहाँ के लोग पान चबाएंगे, चबाएंगे चबाने दो, कितनी अच्छी बात है, उनमें देखो हा 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 प्रिया प्रियतम का पान चबाना याद आना चाहिए, उनके लाल लाल होठ देख करके आता है मन वहां तक जाता है, अरे थूक देते हैं इधर उधर, अरे थूक देते तो थूके, बढ़िया है थूको, बढ़िया है, क्या समस्या है। आखिर जब हमारे ठाकुर जी की सेवा में थे एक महात्मा है, रोज जाते थे अपना निधिवन के अंदर और मानसिक में, मानसिक भजन में तो जाते थे, और वहां प्रिया प्रियतम उठे बैठे हैं तो अपना जा करके वो उनको पीक दान देने की सेवा करते थे कि इसमें थूकिए आप, उनकी सेवा यही है कि आप प्रभु इसमें आप जो है अपना प्रसादी दीजिए, तांबूल वगैरह चबा के इसमें डालिए। एक दिन उन्हें लेट हो गई और इतने बीच में श्याम सुंदर प्रिया जी के मुंह में पान भर गया, प्रिया जी तो है बड़ी करुणामयी प्रेममयी, वो तो निकल गई और श्याम सुंदर ने देखा सखी आ गई तो कुछ नहीं, आए देखना आए और फटाक से उन्होंने पिचकारी मारी और सखी पूरी लाल है ना, सखी पूरी लाल, बताओ भला। तो वो लीला नहीं याद आती मेरे को, ये सब देखो तो ऐसी लीलाओं में डूबो, क्या बात करते हो, क्या हो गया है, हम क्या करेंगे बताओ। ये तो रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ तो रंग ही रंग है वृंदावन में, ये रंग की दुनिया है। अरे गंदगी हो गई, सफाई हो गई, क्या हो गया, कहाँ गंदगी दिख, किसे गंदगी कह रहे हो भाई, किसे गंदगी कह रहे हो, सबसे गंदा तो ये शरीर है जो अविद्या का जड़ है, मूल है। असन्नपि क्लेशद आस देहा, ये देह क्या है बताओ, अविद्या की जड़, इसको बोला कभी, इसको तो सजा रहे हो, मांज रहे हो, अब वो बिचारी अपना झाड़ू लगा रही है, रजरानी की सेवा कर रही है, जगन्नाथ दास बाबा जी उनसे बोले अरे हमको रोटी खिलाओ अपने यहाँ का लाया हुआ, और वो बोले महाराज मत करो मत करो, ऐसा उंगलियां उठ जाएंगी आप पर, बोल रहे क्या बात कर रही हो, रजरानी की सेवा कर रही हो, तुमसे पवित्र भला कौन हो सकता है, तुम हमको खिलाओ, और तुम कह रहे हो कि ये काम वालियां मुंह से कोड़ के कह रहे हो, हाय 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 हाय, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, नहीं आती हृदय, मतलब हृदय में कुछ होता नहीं है बताओ, कुछ होता नहीं है, है ना। ये प्रिया प्रियतम के हैं सारे, यहाँ की गैया, यहाँ का सब कुछ प्रिया प्रियतम की जागीर है, यहाँ का एक तृण, उसके आगे हमने वर्णन सुना शायद दान के लिए कौमुदी में, ये वर्णन था कि उस तृण के आगे ठाकुर जी अपने वैकुंठ की समस्त ऐश्वर्य को कुछ नहीं गिनते, उसको साइड कर देते, वो ये वृंदावन का एक तृण उनको इतना प्यारा है। तो इसीलिए कहा गया कि प्राकृत बुद्धि रखकर, अब ये देखिए, अब ये भी देखो, ये भी बाबा ने क्या बात कह दी, मतलब एक एक बात ऐसी कह रहे हैं बाबा, ओहो ध्यान से सुनो, अपराध कहां पे होते हैं, बाबा मूल बता रहे हैं कहां से होते हैं अपराध। प्राकृत बुद्धि रखकर महत के प्रति सम्मान दिखाते हैं, वो भी अवज्ञा है। जय राधे। अंदर है प्राकृत बुद्धि महत के प्रति, राधे राधे गुरु, राधे राधे गुरु माँ, राधे राधे गुरुदेव, है ना, प्रणाम कर रहे हैं, और अंदर से पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, है ना। कोई भी वैष्णव, राधा कुंड में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, आहार चले जाइए, बाहर चले जाइए, कोई भी भक्त है वैष्णव है, अब सामने पड़ गया तो ऊपर से कपट,
राधे राधे, अंदर से सोच रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं सब कुछ। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राकृत बुद्धि रखा महत के प्रति और उसे सम्मान दिया तो भी वो अवज्ञा है। क्या देख लो कितना सूक्ष्म है अपराध। मुझसे बोलते हो ना अपराध, माता जी अपराध तो नहीं हो गया, अब देखो ये है अपराध, ये है अपराध है, और ये सब मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। आप सब निरअपराध हो, आप लोगों से कभी कोई अपराध हो ही नहीं सकता है, लेकिन मेरे से भयंकरतम अपराध होते हैं, ठीक है। आगे बोला कि स्वभाव करुण महापुरुष का स्नेह करुणा और संतोष से, है ना, देखो क्या बात बोल रहे हैं बाबा, उफ उफ उफ। बोला कि हमने जैसे एक महत के प्रति ये बात रखी, ये तो ऐसे, और उन्हें प्रणाम किया, और स्वभावतः करुण है महत। महतों का तो एक सबसे बड़ा जो स्वभाव होता है, कोई अगर महत हो तो बहुत करुणामय होगा, प्रेममय होगा, उसके अंदर से करुणा हटी नहीं सकती, प्रेम हटी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में व्यापकत्व आ जाता है। वो अपने हरि को, अपने ठाकुर जी को, अपने प्रिया प्रियतम को हर जगह देखता है दुनिया में। तो क्या है कि वो करुणा करना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, लेकिन वो जो कपट आ गया ना अंदर, और कपटता पूर्वक हमने प्रणाम कर दिया, अंदर सोच है गलत, तो वो जो करुणा की धारा है वो छू नहीं सकती है साधक को। क्योंकि वो दीवार हमने ही बना रखी कपट। तो इसीलिए बोला कि राध शब्द का अर्थ है संतोष, और ये संतोष जिस चीज से समाप्त होता है, खत्म होता है, कम होता है, उसे ही कहते हैं अपराध। तो जिस चीज से श्री भगवान, श्री नाम और श्री गुरु और वैष्णवों का संतोष अपगत होता है, समाप्त होता है, कम होता है, उसे ही कहते हैं अपराध। अपराध श्री नाम, श्री गुरु, श्री वैष्णवों का संतोष, श्री भगवान का संतोष जिससे कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे ही कहते हैं अपराध। अपराध आत्मा की गति, यानी आत्मा की जो गति भक्ति में अग्रसर होती जा रही है, आत्मा जो आनंद पा रहा है, उस गति को एकदम स्तंभित कर देता है अपराध। शिथिलता आ जाती, दोष बुद्धि, द्वेष बुद्धि, अहंकार, यही सब है मूल अपराधों। मूल खुद को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना। मुझे याद है, देखिए इस बात पर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने प्यारे गुरुदेव के साथ। मुझे याद है कि बहुत शुरू शुरू की बात है, कुछ लोगों को लेकर के मैं गुरुदेव से मिलने गई थी। तो वहां पर एक सज्जन थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे प्यारे गुरुदेव से पूछा कि बाबा अपराधों से कैसे दूर रखें, तरीका क्या है कि अपराध ना हो हमसे, है ना। हमारे देखिए, हमारे गौड़ीय वैष्णव में जो हमारे आचार्य हुए हैं, इतने प्यारे हुए हैं कि जहां उन्होंने भगवत प्राप्ति के साधारण सही प्यारे प्यारे तरीके बताए हैं, आस्वादन से भरपूर तरीके बताए हैं, हर जगह रोशनी फेंकी है, कोई चीज अंधकार में रहने नहीं दिया, वहीं पर उन्होंने बड़े अच्छे से खोल खोल के समझा दिया कि बच्चे तुम्हें सब मिलेगा, अपराध मत करना, सब मिल जाएगा, हम साथ हैं, पर अपराध में तो भगवान भी साथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपराध आ गया तो फिर हमारे हाथ पैर भी खड़े हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपराधों के बारे में सुनते सुनते वो जो बच्चा था वो बोल दिया गुरुदेव से, गुरुदेव अपराधों से कैसे बचा जा सकता है। गुरुदेव ने सीधा बोला, अगर आप भजन कर रहे हैं और हृदय में ये बात रख लें कि आपसे अधम कोई नहीं है, तो फिर सब कुछ आपसे ऊंचा ही, फिर अपराध नहीं हो। एक ही लाइन, इसी चीज की बाड़ लगानी होगी, आपसे अधम कोई नहीं है, आप ही अधम हैं। हमारे प्यारे आचार्य सूरदास जी, तुलसीदास जी, उनके आप जो है पदावलियों को सुनिए, उन्होंने तो खुद को अधम शिरोमणि बता रखा है। सूरदास जी अधम शिरोमणि है वाला,
बोलते हैं कि मैं अधमन को सरताज, सबसे ज्यादा मैं हूं, नहीं का राजा मैं हूं, तुम जो हो भगवान के राजा हो, तुम स्वयं भगवान हो, मैं अधमन का राजा हूं, तुम पतित पतितों को पावन करते हो, मैं महापतित हूं। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरो मोरे, तुम अबिना के दयालु जगत संसारे। फिर कि मुझ जैसा कोई पतित नहीं है, तुम पतित पावन हो प्रभु, मोसम पतित प्रभु ना पाई वे आर। तो गुरुदेव कहते हैं, जब खुद को एकदम महापतित समझोगे, महा गिरा हुआ, महा अधमाति अधम, महा अधमाति अधम, कि अगर तुम्हारा ब्याह हुआ तो तुम ये सोचो तुमसे अच्छे हैं, तुम्हारे पति भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, सास भी अच्छे हैं, ससुर भी, सब अच्छे हैं भाई, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, मैं ही अधम हूं कि मुझे अभी तक प्रिया जी के चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, मैं देख भी नहीं पाया, मुझसे अधम कौन हो सकता है भला। महा अधम समझो, गिरा हुआ, निकृष्टतम। इसलिए हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरी वसहि सुनना मानि न मानि देन कीर्तिन्या सदा हरि। वही हरि का कीर्तन करेगा और उसी का कीर्तन ऊर्ध्वगामी होगा, ऊंचा जाएगा, जो अपने को तृण से भी अधिक नीचा समझेगा। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरी वसहि सुनना, आपका अपमान हो जाए, कोई कुछ भी बोल ले, तो जैसे वृक्ष काट को काटा जाए तो कुछ नहीं बोलता है, तो आपका अपमान हो गया तो भी आप उसे सहोगे। कई बार हमारी हमें अपमान सहना सिखाते हैं, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, अगर हमारी सहन शक्ति उसमें छिन्न भिन्न हो जाए, क्या करेंगे भजन? भजन जो है, भजन करना वो महासाहसी लोगों का कार्य है, ये कायरों का काम नहीं है भजन करना, ये सुन लो आप मेरी बात, ये कायरों का काम नहीं है भजन करना, कायर लोग इसमें टिक नहीं सकते। पाने क्या जा रहे हैं हम? वो श्री राधा रानी, श्याम सुंदर, क्या प्रियतम रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, इसका आस्वादन करना चाहते हैं, और अहंकार से भरा हुआ है मन, गर्व से उठा हुआ है मन, दूसरे पे उंगलियां उठती हैं, अपने अंदर दोष नहीं दिखते। विद्यापति जी कहते हैं, गणई ते दोष गुण एक ना पाओ भी, जब तुम करीबे विचार। हे प्रभु, जब तुम मेरे बारे में विचार करोगे, कौन कह रहे हैं भैया, जहां जिनके पास महादेव आकर के उनके दास के रूप में काम कर रहे हैं, उगना जी के रूप में महादेव कह रहे हैं कि तू हमेशा प्रिया प्रियतम का गान गाता है, भैया मेरे को तो तेरे गान सुनने, मैं तेरे यहाँ काम कर लूंगा, नौकर बन जाऊंगा, किसी को बताना मत, सिर्फ तुम जानोगे, हम जानेंगे कि मैं कौन हूं और कोई नहीं जानेगा, और तुम सिर्फ अपने प्रिया प्रियतम के गान मेरे कानों तक पहुंचाना। इतने प्यासे हैं हमारे प्यारे महादेव जी, इतने प्यासे हैं, भस्म लपेटे रहते, कोई आए ना मुझे तंग करने के लिए, कहीं जाना ना पड़े, अपराध ना हो जाए, इतने प्यासे हैं। शंकरषण जी का स्वरूप, नाग जी से उनसे भी कथा सुनते रहते हैं, अपनी पार्वती जी को भी कथा सुनाते रहते हैं, कथा आनंद में डूबे रहते हैं। वो आ गए उनके यहां कि चलो हम तुम्हारे यहां दास के रूप में काम करते हैं, उगना बन करके, वो विद्यापति जी कह रहे हैं, गणई ते दोष गुण एक ना पाओ भी, जब तू करू बे विचार, तू हूं जगन्नाथ जगत कहा, जग बाहिर नाही। ये है विलाप कि तुम जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, मैं अपराधी हूं। मेरे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसा कोई अपराधी नहीं है, है ना। मैं वो प्यार भूलू जहां पर वो कहते हैं कि ये जो कर्म और वासनाओं से मेरी मति हर ली गई है, मेरे जैसा कोई अपराधी नहीं है, पर प्रभु आप उसकी उपेक्षा, वो अपराध को मत देखना, मेरी उपेक्षा मत करना। हर जगह कह रहे हैं, बताओ, मौसम पतित नाही कोई यार, हर जगह कह रहे हैं। मेरे हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि मुई पापिष्ट, है ना, वो कह रहे हैं कि मैं पुरुषेर कीट होते अति लघु, मैं लैटिन विष्ठा के कीड़े से भी महाक्षुद्र हूं, जे मोर नाम ले तार होए पाप होए, तार पुण्य क्षय होए, जो मेरा नाम लेगा उसका पाप हो जाएगा, उसका पुण्य खत्म हो जाएगा। ऐसे है क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या कह रहे हैं वो? तो
कहने का अर्थ है कि इतनी देहात्म बुद्धि है, इतनी देह में लगे पड़े हैं हम लोग, हम सब, ये मैं अपने ही बारे में कह रही हूँ, आप लोगों से कुछ नहीं कह रही, आप कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। थोड़ा मैं भावुक हो गई क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के इन शब्दों को देखती हूँ या अपने जो आचार्यों को शब्दों को देखती हूँ, तो बहुत दुख होता है अपने पर ही कि हाय हाय मैं उन शब्दों पर चल नहीं पाई, या जो मेरे पास आए उनको चला नहीं पाए, लोगों को क्रोध पे भी क्रोध नहीं आता, बस क्रोध ही आ जाता है, बहुत कष्ट होता है इस चीज को देख करके। बहरहाल जो भी है, यही है अपराध, और अपराध की बहुत कुछ बारे अपराध के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं हमारे गुरुदेव। समय होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे अगली दफा। इसके साथ ही आज की भागवती चर्चा यही। जय जय श्री राधे श्याम श्री।